नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है स्वम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीएड सत्र 2020 से 22 के लिए आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस 19 नवंबर 2020 से प्रारंभ होने वाली है। काउंसलिंग काफ़ी लेट हो चुकी है, क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं ग्रेजुएशन के रिजल्ट की वजह से काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लेट किया गया है और रिजल्ट में देरी वायरस की वजह से हुई है। तो अब जो है स्थिति बदल चुकी है और यहाँ पर सभी कुछ सामान्य होता जा रहा है, जिसको लेकर के यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ने जो है काउंसलिंग का प्रोग्राम अपना जो है 19 नवंबर से सुचारू रूप से करने का फैसला लिया गया है। अब काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे, क्योंकि हम जो है लगातार कवर करते आ रहे हैं उत्तर प्रदेश बीएड को, और पिछले 7 साल से जो है हमारे अभ्यर्थी इसमें अच्छा जो है रिस्पॉन्स देते हैं, और इसी को लेकर के हम जो हैं ये आने वाले 4 से 5 दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जो भी फॉर्म में गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं या आपको जो भी दिशा निर्देश देना है, अगले 3 से 4 दिन आपके बीच हैं काउंसलिंग से पहले पहले आपको जो है एक एक जो है बारीकी से सूचना दी जाएगी। जो भी आपकी दुविधा हो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी आपको काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में दी जाएगी। साथ ही साथ काफ़ी कमेंट थे कि इस बार 0 फीस पर एडमिशन है या नहीं है, और है तो कैसे एडमिशन मिल सकता है आपको। जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट्स काफ़ी घबराए हुए हैं, क्योंकि फीस काफ़ी ज़्यादा है। तो कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी फीस जो है बहुत कम है, और वहाँ पर ये अपना जो है एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ इनको जो है कई प्रकार की सुविधा भी मुहैया कराई जाएंगी। कितने कॉलेज आपको चॉइस में भरने हैं और किस तरीके से आपको भरने हैं, पूरी की पूरी डिटेल आपको मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं आपके जो 0 फीस पर एडमिशन है उसके बारे में। तो देखिएगा, 0 फीस पर एडमिशन की प्रक्रिया जो है 2 कैटेगरी के लिए होती है मुख्य रूप से, SC और ST कैंडिडेट। इसके लिए क्या होता है, आपका जो भी SC और ST कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों को क्या होता था कि पिछली कुछ वर्षों में उनकी स्कॉलरशिप को कॉलेज रख लेते थे और उनको जो है 0 फीस पर एडमिशन दे देते थे, अर्थात बिना फीस के उनका एडमिशन होता है। ये मतलब होता है 0 फीस का, बिना फीस का उनको एडमिशन लेना पड़ता है, और उसके लिए जो है कॉलेज उनसे कोई शुल्क किसी प्रकार का नहीं लेता है, ना ही काउंसलिंग का आपका शुल्क लिया जाता है, और ना ही आपसे जो है कॉलेज की जो फीस है वो जमा कराई जाती है। लेकिन इस बार जो है आपका 0 फीस पर एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। ज़्यादातर जो सरकार का दिशा निर्देश है वो 0 फीस पर एडमिशन जो है बंद कर दिया गया है, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो आपका 0 फीस पर एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं। रीज़न यही है कि कॉलेज में जो सीटें हैं वो बीएड की काफ़ी हैं और इस बार के कैंडिडेट्स कम हैं, तो मजबूरी में उनको 0 फीस पर एडमिशन लेना पड़ रहा है। तो ये जो कॉलेज हैं ये हैं CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के, और इसके कॉलेज के संबंध में यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, जिस अभ्यर्थियों को 0 फीस पर एडमिशन चाहिए, तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डाल सकते हैं, और यहाँ से आपको जो जानकारी चाहिएगी वो आप हमको बता दीजिएगा, हम आपसे संपर्क कर लेंगे। तो अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप जो है कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। बात करते हैं जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स पर जो एडमिशन है वो, देखिएगा यहाँ पर फीस लगभग आपकी दोनों वर्षों की 82,000 रुपये है। दोनों वर्षों की जो फीस है बीएड की वो लगभग 82,000 रुपये है, जो यूनिवर्सिटी की ओर से निर्धारित है। इससे कम शुल्क पर भी कुछ कॉलेज एडमिशन लेना चाहते हैं जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स का। तो जो ऐसे कॉलेज हैं उसमें लगभग फीस आपकी यहाँ पर 60,000 रुपये के आसपास है। तो यहाँ पर 30,000 आपको जो है प्रथम वर्ष में, या कुछ कॉलेज जो है 40,000 लेंगे आपसे प्रथम वर्ष में, और कुछ कॉलेज जो है द्वितीय वर्ष में 30,000 या 20,000 लेंगे। तो लगभग 60,000 रुपये में कंप्लीट हो जाती है। चाहे भले ही आपको फर्स्ट ईयर में 30 से 40,000 रुपये जमा कराए जाते हैं, उसके बाद सेकेंड ईयर में 30 या 20,000 रुपये आपसे लिए जाएंगे, और यदि आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हो तो 51,500 रुपये आपको जो है फीस जमा करनी होगी, और यहाँ पर आपका जो चार्जेस है वो 5,000 रुपये का यहाँ पर काउंसलिंग की फीस होगी, और 750 रुपये यहाँ पर जो है काउंसलिंग का शुल्क लिया जाता है। 5,000 रुपये आपकी जो है सीट के लिए आपकी सिक्योरिटी जमा की जाती है।
तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं लगभग 58,000 से भी अधिक रुपए आपके यहाँ पर खर्च हो जाते हैं, क्योंकि साइबर वगैरह के खर्चे में भी आपके आते हैं। तो इस शुल्क से बचने के लिए आपको जो है दोनों वर्षों की बीएड जो है कॉलेज खुद काउंसलिंग कराएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में नंबर दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप जो जिन लोगों की रैंक अच्छी है वो काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो आपकी जो चॉइस है उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आपकी जो है लिमिट यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई है, आप कितने भी चॉइस अपनी पसंद के भर सकते हैं। पहले नंबर पर कॉलेज आपको वो भरना है जो आपको ज़्यादा पसंद है, उसके बाद जो आपको दूसरे नंबर पर पसंद है दूसरे नंबर पर वो भरना है। इस तरीके से आपका जो रैंकिंग के हिसाब से आपका कॉलेज आपका जो कंफर्म होगा सीट, तो आपकी जो ऊपर से नीचे तक की देखी जाएगी कॉलेज की हैसियत और जहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। तो इस तरीके से चॉइस आप कितने भी कॉलेज की कर सकते हैं। मुख्य सावधानी आपको जो है यहाँ पर रखनी है। मुख्य सावधानी में आपको जो है एक तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कौन से आपको चाहिए होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड में जो आपकी जो परेशानी होती है अभ्यर्थियों की वो बिल्कुल ना हो, क्योंकि हो सकता है आपको काउंसलिंग कराने के बाद भी एडमिशन ना हो यदि आप गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो। क्योंकि आपने यदि कैटेगरी एससी भरी हुई है और आप एससी कैटेगरी के नहीं हो या एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट आप उसमें नहीं लगाते हो, तो आपकी जो काउंसलिंग है वो होने के बाद भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। दूसरा नंबर का जो झंझट आता है यहाँ पर आता है आपका अकाउंट का। अकाउंट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था और एक बार फिर कन्फर्म कर देता हूँ, अकाउंट उसी कैंडिडेट का आपको लगाना है जिसका मोबाइल नंबर उस अकाउंट से अटैच हो, और दूसरे नंबर पर आपको अपना या अपने अभिभावक का ही अकाउंट देना है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी से फॉर्म भरवा रहे हो या कहीं पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो किसी कैफे वगैरह से और कैफे वाला ने अपना ही अकाउंट डाल दिया। क्योंकि अगर किसी केस में आपकी जो ये 5,000 रुपये वाली यदि आपका जो है मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है, फीस वापिस होगी, तो आपको इसी अकाउंट में फीस वापिस होगी। अर्थात यदि कैफे वाला अपना अकाउंट डालता है तो उसी के में 5,000 रुपये आएंगे, वो आपको नहीं देगा। पिछली बार काफ़ी अभ्यर्थियों के साथ ऐसा हुआ है। तीसरे नंबर पर यदि बात की जाए तो तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया है कि चॉइस फिलिंग आपको जो है सावधानी पूर्वक भरनी है। जो भी आपकी कॉलेज है उसके लिए लिस्ट हम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे, और वहाँ से आप जो है अपनी संबंधित यूनिवर्सिटी के संबंधित कॉलेजों की एक लिस्ट बनाइए जो जो आपको चॉइस में भरने हैं। तीसरा आपका जो तथ्य था चॉइस फिलिंग का था, और चौथा जो है आपको यहाँ पर सीट कंफर्म होने के बाद आपको जो है 2 दिन के अंदर आपको फीस जमा करनी होगी 51,500 रुपये, तो वो आपको करनी है। और इसके तुरंत बाद आपको 2 दिन के या 4 दिन के अंदर आपको कॉलेज में जाना है और मूल दस्तावेज और उनकी फोटोकॉपी लेकर के आपको एडमिशन करा लेना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर काउंसलिंग कैसे कराएं। तो काउंसलिंग के लिए आपको जो है 4 चरण में यहाँ पर निर्धारित किया गया है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो 19 नवंबर से काउंसलिंग शुरू होगी। शुरू में आपकी 5,000 रैंक तक होगी, उसके बाद 5,000 से 2,00,000 तक आप 1,40,000 तक आपकी होगी, और ये जो है 24 नवंबर से आपके दोबारा से रजिस्ट्रेशन होंगे जो 5,000 के अधिक रैंक वाले हैं। तो जो आपकी रैंक का क्राइटेरिया है वो आपको निर्धारित दिया गया है कि किस रैंक से किस रैंक तक कितनी तारीख को आपकी चॉइस फिलिंग, कितनी तारीख को आपको रजिस्ट्रेशन, कितनी तारीख को आपको सीट कंफर्मेशन होगा, तो वो आपको निर्धारित करना है और अपना सचेत रहना है और अपनी फीस वगैरह का इंतजाम करके आपको रहना है। बाकी यदि आपको 0 फीस वगैरह पर एडमिशन चाहिए या आपको कम फीस में एडमिशन लेना है, तो आपको कमेंट्स बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।